नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नेपानगर के अंधारवाड़ी गांव में रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी को ससुराल से विदा कराने बैलगाड़ी में पहुंचा। इसी बैलगाड़ी में बेटी विदा हुई। ये पर्यावरण और परंपरा दोनों को बचाने की पहल है। लोगों ने भी इसकी तारीफ की। नेपानगर के अंधारवाड़ी में रहने वाले भगवत चौहान ने बेटी की विदाई के बहाने पर्यावरण सुरक्षा और परंपरा निभाने का संदेश दिया। वो अपनी बेटी को ससुराल से विदा कराने बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। बैलगाड़ी को काफी सजाया गया था। भगवत चौहान की बेटी पूजा चौहान की दो दिन पहले ही संभाजी पाटनकर के बेटे शुभम पाटनकर से शादी हुई है। चौहान परिवार ने बेटी को ससुराल से मायके लाने के लिए चमचमाती गाड़ी के बजाय भारतीय परंपरागत पद्धति और संस्कृति को अपनाया। बैलगाड़ी का इस्तेमाल वैसे तो अब गांव में खेती किसानी और आवाजाही के लिए किया जाता है। कभी कभी पेट्रोल डीजल दाम बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्षी दल इस पर सवार होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में शादी ब्याह में अब इस्तेमाल करता कोई नजर नहीं आता। पूजा के ससुराल वाले भी अपने समधी की ये पहल देखकर खुश हो गए। उन्होंने समधी का स्वागत किया और खुशी खुशी अपनी बहू को विदा किया। सबने बैलगाड़ी के साथ खड़े होकर फैमिली फोटो भी खिंचवाई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।